अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम और सवाल वरहमतुल्लाह। और मेरा सवाल ये था कि जैसे ये हम लोग बार्गेनिंग करते हैं ना मार्केट में, किसी कपड़े लेने जाए या फिर कभी सब्जी या कोई भी चीज हम लोग खरीदने जाए, तो इसमें क्या है? जैसे किसी एक सब्जी वाला या एक रिक्शा वाला, तो उन लोगों से बार्गेनिंग करना कैसा है? और जो जिनका अच्छा खासा दुकान हो, वो अच्छा कमाते हो, तो उनके साथ बार्गेनिंग का क्या हुक्म है? जी वाजे है आपका सवाल से सर। देखिए, खरीदो फरोख्त की ये तबीयत है बार्गेनिंग करना कि भाई मैं इतना दूंगा, सामने वाला कह रहा मैं इतना लूंगा। ये करना आपका हक है, ये दुकानदार का भी हक है, ये आपका भी हक है। बार्गेनिंग करने के बाद आप दोनों किसी एक आखिरी पॉइंट पर पहुंच करके एग्री करते हैं, उसके बाद जो है वो दोनों के दरमियान लेन देन होता है। तो बार्गेनिंग करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये तिजारत का हिस्सा है। लेकिन जी जी जब तक बार्गेनिंग कर रहे हैं, तब तक वो जो मामला है खरीदो बेचने और खरीदने का, वो समझिए वो मामला मुकम्मल नहीं हुआ है। बार्गेनिंग ये उसका मुकदमा है।